हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कल हमने बात करी थी वर्णमाला की, जिसकी संख्या है 52, और उसमें हमने स्वर को समझा था। आज हम समझेंगे व्यंजन को। व्यंजन जिन्हें उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसमें आते हैं 5 वर्ग। पहला वर्ग है क वर्ग। इसके अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ और ग। नेक्स्ट है च वर्ग, जिसके अंतर्गत आता है च, छ, ज, झ और य। अगला है ट वर्ग, जिसके अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। अगला है हमारा त वर्ग, जिसके अंदर का आता है त, थ, द, ध और न। अगला है प वर्ग, जिसके अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ और म। बाकी फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिसके अंतर्गत आता है य, र, ल और व। बाकी नेक्स्ट आता है स्पर्श व्यंजन। इसके अंतर्गत आता है श, श, स और ह। इसमें ये जो श है, इसको कहते हैं तालव्य श, तालव्य श। ये जो श है, ये पेट फटा श है, इसे कहते हैं मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। ये जो स है, इसे कहते हैं दंत्य स, दंत्य स। धन्यवाद।